Next question. The marks obtained by 7 students in a test are given. हमें mean deviation पता करना है data का from the mean. अगर हम सभी values को पहले add कर लें और उसको number of terms से divide कर लें तो हमारे पास mean आ जाएगा. Let us say mean ये रहा 36 plus 46. ये हो गया है 82 plus 70 152 plus 60 212 plus 20 232 प्लस 18 250 प्लस 30 280 और टोटल टर्म्स हमारे पास कितनी है वी कैन काउंट देम 1 2 3 4 5 6 एंड 7 280 डिवाइडेड बाय 7 करने पर हमारा मीन आ जाएगा 40 नाउ वी नीड टू फाइंड आउट मीन डेविएशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम डिफरेंस निकालेंगे इन मीन का इन अलग अलग टर्म्स के साथ में डिफरेंस हमेशा होता है हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू So 40 minus 36 ये हो गया है 4 plus 46 minus 40 ये हो गया है 6 plus 70 minus 40 30 60 minus 40 ये हो गया है 20 40 minus 20 20 40 minus 18 22 and 40 minus 30 10 डिवाइड कर दें नंबर ऑफ टर्म्स से जो है 7, 6 and 4, 10 and 30, 40 and 20, 60 and 20, 80 and 22, 102 and 10, 112. 112 को, if we divide by 7, our answer will be 16. Second option, हम अपने इस question का answer mark कर सकते हैं. Next question. The mean of the following distribution is 25. हमें class or frequency given है. We need to find out the value of P. क्या करें? सबसे पहले हम इसकी जो मिडिल वैल्यू है उस पर फोकस करेंगे ये है 5 15 25 35 एंड 45 मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे जो हमें 25 गिवन है 5 इंटू 14 ये हो गया है 70 प्लस 15 इंटू पी सो वी कैन से 15 पी प्लस 25 इंटू 27 नाउ एक आसान तरीका 25 होता है 26 minus 1 और 27 होता है 26 plus 1. Algebraic identity a minus b into a plus b का इस्तेमाल करने पर value a square minus b square आनी चाहिए. 26 का square होता है 676 और minus 1 का square अगर हम करेंगे तो we will get 675. 35 into 21 ये हो गया है 735. 45 into 50 ये हो गया है 675. Divided by total frequency की अगर हम बात करें 14 and 27 ये हुआ है हमारा 41 and 21 62 and 15 77 plus P चलिए इसको सॉल्व करते हैं Now 25 into 7 होता है 1750 because अगर हम 70 लिख देते हैं और 25 into 7 175 है तो 1750 में अगर हम 175 ऐड करते हैं तो वी विल गेट 1925 सो दिस विल बी 1925 प्लस 25 पी बेसिक मल्टीप्लिकेशन जो है उस पर हमें फोकस करना होगा नाउ यहां पर भी हम ऐड कर सकते हैं जैसे 675 और 675 इन दोनों को ऐड करने पर 1350 यहां पर 735 है ऐड करेंगे तो 2085 और ये 70 ऐड करने पर 2155 so this will become 2155 plus 15p 15p left hand side chala jayega 10p is equal to yahan par hum difference nikalte hain to ye difference aayega 230 p ki value 23 fourth option hamare is question ka answer hoga chaliye next question discuss karte hain What is the median of the following distribution? हमें xi given है, frequency जो है वो given है. सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा, what is sigma fi? इन सभी terms को अगर हम add कर दें, तो 4 and 6, 10, 12, 15, 22 and 10, 32. तो यहाँ total 32 terms होंगे. That means अगर इसको rewrite करना चाहें, तो हम कहेंगे, term 8 will come how many times? 4 times. Similarly Term 9 will come how many times? 6 times.
then term 10 will come 2 times, term 11 will come 3 times, and then term 12 will come, and so. Now, when the total number of terms are 32, median निकालने के लिए, क्योंकि ये even number है, हम क्या करेंगे? 32 upon 2, हम 16th term ढूंढेंगे, and 32 upon 2 plus 1, that is 17th term हम ढूंढेंगे, क्योंकि अगर number of terms even होती हैं, तो median निकालने के लिए हम क्या करते हैं? n upon 2 plus 1 निकालते हैं, और इन दोनों ही terms का हम average ले लेते हैं। तो हमें सबसे पहले 16th term और 17th term निकालनी। Now, we can see यहाँ पर 4 terms हैं, यहाँ पर 6 terms हैं, तो 4 and 6, 10, and then 2 terms हैं, and then 3 terms हैं, यहाँ तक total 15 terms हो चुकी हैं, तो हमारी 16th और 17th term क्या होगी? 12, तो 16th term भी 12 है, 17th term भी 12 है, अगर इसका हम mean निकाल लें, तो हमारा desired median आ जाएगा 12, that is second option, हम अपने इस question का answer mark कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। अ कॉइन इज बायस सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड इज 0.25। हमारे पास एक कॉइन है, लेट अस से इस कॉइन को हमने नाम दे दिया है फर्स्ट कॉइन। इस कॉइन में हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी है 0.25, फ्रैक्शन में इसे हम लिख सकते हैं 1/4। तो यहां पर टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - 1/4, or we can say 3/4. Another coin is biased so that the probability of obtaining a tail is 0.4. Let us say second coin ka naam humne de diya hai coin 2. Yahan par tails aane ki probability hai 0.4, yani ki 4/10. Isse likh sakte hain hum 2/5. To heads aane ki probability yahan par kya hogi? 1 - 2/5, that is 3/5. Both the coins are tossed together. The probability of obtaining at least one head. At least one head ka matlab kya hua? First coin mein head aur second mein tails aa jaye. Second coin mein heads aur first mein tails aa jaye. Ya dono hi coins mein heads aa jaye. To yahan par hum cases bana lete hain. Heads in the first coin, tails in the second coin, or ke liye hum addition use kar lenge. Heads in the second coin, tails in the first coin, or दोनों ही कॉइन्स में हेड्स आ जाए। वैल्यूज पुट कर देते हैं। हेड्स इन द फर्स्ट कॉइन ये हो गया है 1/4 इनटू टेल्स इन द सेकंड कॉइन 2/5 प्लस हेड्स इन द सेकंड कॉइन 3/5 मल्टीप्लाइड बाय टेल्स इन द फर्स्ट कॉइन 3/4 और हेड्स इन द फर्स्ट कॉइन 1/4 into heads in the second coin 3/5. Denominator पे सभी पे 20 होगा, तो हम denominator पे तो 20 लिखेंगे और ऊपर हम क्या लिखेंगे? 1 into 2 is 2 plus 9 11 plus 3 40. So this will become 14/20. दोनों ही numbers 2 से divisible हैं. हमारा desired answer आएगा 7/10. Third option हम अपना answer mark कर सकते हैं. Next question. ये question statistics पर based. एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। The heights in centimeter of 8 students are recorded. The standard deviation of the data is closest to. Standard deviation का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा। This is equal to square root of 1/n multiplied by sigma, where I is equal to 1 to n, xi minus mean and square. तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर mean निकालना होगा। Mean निकालने के लिए हम क्या करें? या तो इन सभी values को हम add कर दें। So 162, 163, 160, 164, 160, 170, 161 and 164। इन सभी को हम add करके total number of terms जो 8 है उसे divide करें। या फिर हम एक काम और कर सकते हैं। हम कोई भी अपना एक mean assume कर लें। Let us say हमने एक mean assume कर लिया है, वो number इनमें से भी हो सकता है और कोई दूसरा number भी हो सकता है, से हमने mean assume कर लिया है 160। अब हम यहाँ पर इनका difference निकालते हैं, deviation निकालेंगे। 162 minus 164 अगर हम करेंगे तो we will get minus 2, 163 minus 164 will get minus 1,
यहां आएगा माइनस फोर, ये हो जाएगा जीरो, अगेन माइनस फोर, यहां पर 170 माइनस 164 करेंगे तो 6, यहां पर माइनस 3 और यहां पर 0। तो नेट रिजल्ट क्या रहा है? माइनस 2, माइनस 3, माइनस 7, माइनस 11, माइनस 14, प्लस 6, ये हो गया है माइनस 8। बिकॉज ये 8 ऑब्जर्वेशंस के कारण है, हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक्चुअल मीन जो है वो आ जाएगा 163। That means xi की वैल्यू हमारी 163 आ चुकी है। अब अगेन हमें डेविएशन निकालना है, पर क्योंकि हम स्क्वायर करेंगे तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 162 माइनस 163, दैट इज माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर विल गेट 1। यहां पर 163, इनका डिफरेंस तो 0 हो गया। 163 माइनस 163, 3 का स्क्वायर 9, 64 माइनस 63, 1 का स्क्वायर इज 1, यहां पर अगेन विल गेट 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, एंड 64 माइनस 63, 1 का स्क्वायर इज व्हाट, 1। चलिए ऐड कर लेते हैं, 49 एंड 150, 9 एंड 9 18 एंड 2 20, तो 50 प्लस 20 70 एंड वी आर लेफ्ट विद 4। तो इनका सम करने पर ये वैल्यू क्या आएगी? 74। तो हमारा आंसर क्या होगा? यहां पर हम 74 लिखेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 8, और इसका हमें स्क्वायर रूट लेना है। ध्यान रखिए ऑप्शंस काफी क्लोज हैं, ठीक है। तो हम एक काम यहां पर कर सकते हैं, इसको अगर हम डिवाइड करें, ये हो जाएगा 8 9 टाइम्स 72, 2 लेफ्ट, 2 अपॉन 8 होता है 1 अपॉन 4, यानी कि 2.2। हमें इस वैल्यू का अंडर रूट लेना। आपको बेसिक स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। वैसे तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको आता है। हम क्या करते हैं, यहां डेसिमल से इस तरह से पेयर बनाते हैं। सबसे पहले हम यहां पर एक डिजिट लिखेंगे जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट इसके इक्वल या उससे कम आएगा। सो 3 इंटू 3 9, सो विल जस्ट राइट डाउन 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो गया। अब हम 2 5 उतार, डेसिमल आ चुका है, विल प्लेस अ डेसिमल हियर। 3 प्लस 3 को ऐड करके 6 लिख दीजिए। नाउ आपको एक ऐसा नंबर लिखना है जिससे मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट इस वैल्यू के इक्वल या उससे कम। Definitely x has to be 0, because अगर मैंने 1 put कर दिया तो 61 into 1 करने पर ये 61 हो जाएगा। So 3.0 something हमारा answer होगा। Options पे अगर हम नजर डालते हैं, first option हम immediately answer mark कर सकते हैं। तो थोड़ा basic calculation, आपको arithmetic mean निकालना आना चाहिए। चाहे तो आप इन सबको add करके और 8 से divide कर देते तो भी आपका mean 163 आता, और उसके बाद आपको उनका difference deviation निकालना है और square करना है, sigma करना है, number of terms से divide करना है और अंडर रूट करना। ये सारा प्रोसेस करने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है, आपकी स्पीड अच्छी है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को विद इन अ मिनट अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशंस ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। एक काम हम यहां पर कर सकते हैं, ये हमारे दो एंड्स हैं बैंक्स की, लेट अस इस पॉइंट को हमने नाम दिया है ए और इसको हमने नाम दिया है ब्रिज जो है, लेट अस से ये हमारा ब्रिज है। इफ द हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द बैंक्स इज इच मीटर, से ये हमारा ब्रिज का वो पॉइंट है जहां से हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम सी और इसको डी नाम दे देते हैं। तो ये हाइट हमें h मीटर की, एंगल ऑफ डिप्रेशन इन दोनों पॉइंट्स के हमें 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की होती है। एंगल ऑफ डिप्रेशन याद रखिए हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किए जाते हैं। तो अगर हम c को a से कनेक्ट कर दें और ऐसे ही c को b से कनेक्ट कर दें, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होगी। ये एंगल हो गया है हमारा 60 डिग्री और ये एंगल हो गया है हमारा 30 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, और अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। दे आर कॉल्ड ऑल्टरनेट एंगल्स। 30 60 90 एंड 45 45 90, ये दो ट्राइंगल्स ऐसे हैं जिनका हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप इनसे रिलेटेड रूल्स अच्छे से याद रख लीजिए ताकि बार बार आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का फॉर्मूला इस्तेमाल ना करना पड़े। अगर एक ट्राइंगल हमारा है
जिसमें तीनों एंगल्स हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और लेट अस से आपको 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड की लेंथ गिवन है से एक्स, तो 60 डिग्री के ऑपोजिट साइड की लेंथ होगी √3x और 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड की लेंथ होगी 2x। और अगर 60 डिग्री के ऑपोजिट दिया जाए, 30 डिग्री के ऑपोजिट पूछा जाए तो √3 से डिवाइड कर देंगे। इससे हमारी कैलकुलेशन काफी फास्ट हो जाएगी। लुक एट द ट्राइंगल बी सी डी। हमें 60 डिग्री के ऑपोजिट मालूम है एच है, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो क्या हम 30 डिग्री के ऑपोजिट निकाल सकते हैं डिस्टेंस? हमारा डिस्टेंस बी डी होगा एच अपॉन √3। ऐसे ही 30 डिग्री के ऑपोजिट हमें एच गिवन है, तो ये 60 डिग्री हो गया, तो 60 डिग्री के ऑपोजिट होगा √3h। द विड्थ ऑफ द रिवर इज के मीटर्स, दैट मीन्स ए बी का डिस्टेंस हमें के गिवन है, तो √3h प्लस एच अपॉन √3 इज इक्वल टू के। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? रेशियो ऑफ एच एंड के। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। √3 × √3 हो गया 3, 3h प्लस h 4h अपॉन √3 इज इक्वल टू के, देयरफॉर h अपॉन के विल बी इक्वल टू √3 अपॉन 4। फोर्थ ऑप्शन हम अपने इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मालूम करनी है। सबसे पहले न्यूमरेटर पे फोकस करते हैं। 1 प्लस टेंजेंट थीटा, इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। सॉल्व करेंगे कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी न्यूमरेटर की जो फाइनल वैल्यू होगी वो होगी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर? साइन थीटा टेंजेंट थीटा, सो वी कैन राइट डाउन साइन थीटा। टेंजेंट थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड 1 माइनस टेंजेंट थीटा, अगेन इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर फोकस करते हैं, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो उसको एक बार हम रीराइट कर देते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दोनों यहां पर कॉस थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम एक कॉस थीटा यहां से हटा सकते हैं एंड वी कैन सिंपली राइट डाउन कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर भी साइन थीटा है, यहां भी साइन थीटा है, यहां कॉस स्क्वायर थीटा है, यहां भी कॉस स्क्वायर थीटा है, इसे हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई, ये एक साइन थीटा हमारा बचा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड देन प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमें मालूम होता है किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के, तो यहां पर हम लिख सकते हैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर हम यहां पर कॉस थीटा कॉमन ले लें तो बाहर हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये कॉस थीटा हटा देते हैं और एक ही हम हटा देते हैं, ये कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये दोनों तो कैंसिल हो गए हैं, कॉस थीटा अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड देयरफॉर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कॉट थीटा थर्ड ऑप्शन हम आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। आपको बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए, जैसे अगर हमें ए माइनस बी होल क्यूब करना हो तो इसकी वैल्यू होगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी ए माइनस बी।
और अगर हम ए को रिप्लेस कर दें सेक स्क्वायर थीटा से, बी को रिप्लेस कर दें टेंजेंट स्क्वायर थीटा से और इसको ओपन करें तो हमारे पास आएगा सेक स्क्वायर थीटा इसका क्यूब माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इसका भी क्यूब माइनस थ्री टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। एक और इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हमें मालूम है दैट वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के, या हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा वन के इक्वल होगा। तो ये वन के इक्वल हो गया वन रेस्ट टू द पावर थ्री, ये तो हो गया है वन, ये हो गया है sec raised to the power 6 theta minus tangent raised to the power 6 theta minus 3 sec square theta tangent square theta। ये वाला पार्ट अगेन वन हो गया है। अगर आप देखेंगे तो यही पार्ट हमारा न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर की हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी वन। अब हम डिनोमिनेटर पे फोकस करते हैं, क्या हो अगर हम यहां पर एक प्लस वन और एक माइनस वन कर दें। लेट अस से हमने एक प्लस वन कर दिया है और साथ में एक माइनस वन कर दिया। अब हम फोकस कर रहे हैं इस टर्म पे और इस टर्म पे, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन रेस टू द पावर फोर थीटा प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन। हमारी कोशिश है इसे परफेक्ट स्क्वायर बना दें। अच्छा, फिर एक प्लस फोर प्लस कॉस फोर थीटा हमारे पास है और साथ में प्लस वन एंड प्लस वन प्लस टू। अब डिनोमिनेटर को अगर हम सॉल्व करें, यहां पर मैं माइनस अगर कॉमन ले लूं इन तीन टर्म्स में, तो ये माइनस बाहर आते ही ये साइन माइनस हो जाएगा हमारा और ये वाला साइन प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर, इससे हमारे इस आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस कॉस फोर थीटा प्लस टू, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की पावर टू है तो ये हो जाएगा कॉस फोर थीटा, बट बाहर साइन माइनस का है। यहां पर लिखा है हमने प्लस फोर प्लस कॉस फोर थीटा एंड प्लस टू, ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी कैंसिल, तो हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा टू के इक्वल, हमारे ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू वन अपॉन टू, सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मालूम करनी है। सबसे पहले हम न्यूमरेटर पर फोकस करते हैं, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस cot square theta, cot square theta को हम लिख सकते हैं cos square theta divided by sin square theta। अच्छा, बाहर है minus sin square theta at plus 2। चलिए इसको ओपन करते हैं, ये हो गया 2 sin square theta, एक ये minus sin square theta है तो हमारे पास बचेगा sin square theta। ऐसे ही प्लस हम साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल करेंगे तो यहां बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस टू इरा, इसकी वैल्यू वन होती है और वन प्लस टू करने पर थ्री, तो हमारा न्यूमरेटर तो हो गया है थ्री। लेट अस नाउ फोकस ऑन द डिनोमिनेटर, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सबसे अच्छा तरीका होगा आप इसको साइन और कॉस में बदल लीजिए अगर आपको बाकी फॉर्मूले नहीं मालूम है तो। सो वी कैन से दिस इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos square theta plus cos square theta upon sin square theta minus 1 upon sin square theta cos square theta। अगर हम denominator पे LCM ले लेते हैं sin square theta cos square theta, तो यहां क्या होगा cos square theta तो cancel, sin square theta into sin square theta
ये हो गया है साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा माइनस 1। ठीक है, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, क्या इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हम इस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं क्योंकि अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, देयरफॉर हमें ये माइनस करना पड़ा ताकि हम उसको कैंसिल कर सकें, और एक ही माइनस वन है ही, और डिनोमिनेटर पे हमारी जो टर्म है वो है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 और 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा माइनस 2, ये डिनोमिनेटर पे होगा, इसे रीराइट कर सकते हैं -3/2, फोर्थ ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। सेक थीटा प्लस टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमें पी गिवन है और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, टेंजेंट थीटा को हम लिख सकते हैं sin θ/cos θ, दिस इज इक्वल टू पी। इसको रीराइट करें तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1/cos θ इज इक्वल टू पी, और वी कैन से साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू पी कॉस थीटा। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1। क्या हो अगर हम न्यूमरेटर पे साइन थीटा प्लस 1 कर दें मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर पर भी यही काम करें, तो न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और डिनोमिनेटर हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। साइन थीटा प्लस 1 की वैल्यू है पी कॉस थीटा, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो डिनोमिनेटर पे हो जाएगा पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। बेसिक फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर हम 1 को इधर ले आए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गए हैं, हमारा आंसर होना चाहिए -1/p² फर्स्ट ऑप्शन। हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं।